हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैदर अली। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फेवर पर। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज के कुछ सवालों के बारे में बताऊंगा, जिसमें भाव कम होने पर एक किलो में यानी कुल मूल्य पर कितनी वस्तुएं अवेलेबल होगी या उनका प्रति किलोग्राम कितना दाम होगा। इसी तरह हमने एक सवाल लिख रखा है आपको समझाने के लिए, बता रहे हैं। यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? सर्वप्रथम हम इसको देख लेते हैं। वस्तुओं की संख्या बराबर कुल मूल्य बटे एक वस्तु का मूल्य। तो कुल मूल्य है एक, ठीक। वस्तुओं की संख्या हमें निकालना है, तो एक वस्तु का मूल्य यक्स। यह हो गए पहला वस्तु का मूल्य, क्योंकि 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, क्योंकि ये यहाँ वस्तुओं की संख्या की है, तो हम यहाँ भी वस्तुओं की संख्या ही तैयार करेंगे, ठीक। अब दूसरा कहा गया 25% कमी हो जा रही है, तो दूसरा हो जाएगा यक्स का 100 माइनस 25 बटे 100, तो 75 यक्स बटे 100 बराबर 3 x/4। ये हो गया मूल्य, लेकिन इसमें वस्तुओं की, ये सिर्फ मूल्य घटा हुआ है, अभी वस्तुओं की संख्या नहीं है। तो हम इसको देखेंगे, दूसरे वस्तु को मूल्य बराबर 1/3 x/4। भिन्नों का रूल कहता है कि एक, जब कोई भिन्न, एक सिंगल भिन्न, एक भिन्न नहीं हो, तो हम उसको बना लेते हैं 1/1 3x/4। ये रूल कहता है बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा। इसलिए 1/4/1/3x बराबर 4/3x। ये हो गया दूसरे वस्तु की संख्या। एक वस्तु की संख्या ये है, एक वस्तु की संख्या ये है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये जो दिया गया है, एक वस्तु 1 रुपये में वस्तुओं की संख्या, ये मूल्य है और ये माना भाव है। एक वस्तु का मूल्य ये भाव है। अब इसको हम कर देंगे 1/1, उसको हम अच्छे समझा देते हैं ताकि आपको किसी को दिक्कत ना हो समझने के लिए। कुल मूल्य 1 रुपये, एक वस्तु का मूल्य बराबर 1/x, क्योंकि 1 रुपये में लेना है और कुल मूल्य यही है, ठीक। 1/1/1/x रूल कहता है बाहर बाहर और अंदर अंदर गुणा, 1/x/1/1 बराबर यक्स, या यक्स बटे एक कर सकते हैं समझने के लिए। ये पहले वस्तुओं की संख्या है, ये दूसरी वस्तु की संख्या है। अब इसको हम सवाल हल करेंगे। पहली वस्तु की संख्या है x/a बराबर है 4/3x। ये भी वस्तुओं की संख्या है, ये भी वस्तुओं की संख्या है, क्योंकि यहाँ दाम घटा हुआ है। जब दाम घटा तब 2 किलो अधिक मिला था, तो हम यहाँ 2 जोड़ देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गया है। तो 2 बराबर 4/3x - x/a। यहाँ हम दोनों को हर समान कर लेंगे, 3x ले लेंगे,
तीन एकम तीन, यहाँ एक आ गया, एक गुड़े चार, एक चौके चार माइनस एक तिहाई तीन और तीन, एक तिहाई तीन और फिर यहाँ एक है, तीन एकम तीन, यहाँ तीन हो जाएगा। तो बराबर एक बटे तीन यक्स बराबर दो, तो दो गुणे तीन बराबर एक बटे यक्स, छः बराबर एक बटे यक्स। ये हो गई वस्तुओं की संख्या, ये कुल मूल्य है और एक वस्तु का मूल्य हो गया जो हमने माना था। हम इसको अब आगे देख लेंगे। तो छः बराबर ये वस्तुओं की संख्या है, ये है कुल मूल्य, बहुत आराम से इसको समझना होगा, फिर एक बटे यक्स, ठीक। छः बराबर ये इसमें हर नहीं है इसलिए हम इसको हर बनाएंगे, एक बटे एक गुणे एक बटे एक बटे एक बटे यक्स, तो छः बराबर एक गुणे यक्स बटे एक गुणे एक, छः बराबर यक्स, यानी वस्तु का जो वस्तु की संख्या होगी वो छः होगी। एक में प्राप्त रुपड़ों की संख्या कितनी है, छः होगी, ठीक। दाम घटने के बाद दोस्तों, जैसे मैंने एक सवाल बताया, मैं अगर नहीं समझ में आया तो हम इस दूसरा सवाल उसी तरह का उसी के बराबर अंक लेकर आए हैं, इसमें एक भाव अलग कर दिया गया है बस। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम देखेंगे वस्तुओं की संख्या बराबर, वस्तुओं की संख्या बराबर कुल मूल्य बटे एक वस्तु का मूल्य, भाव कह सकते हैं इसको। तो माना मूल्य बराबर एक्स, समझने के लिए तो इसमें क्या कह रहा है, ₹240 में 2 किलोग्राम से अधिक खरीद सकता है। तो हमें जो दिया गया 2 किलोग्राम, ये वस्तुओं की संख्या है, तो हम देख लेंगे वस्तुओं की संख्या बराबर कुल मूल्य 240, एक वस्तु का मूल्य x बराबर इस तरफ कर दे 25% कम हो गया है, तो 240 बटे x का 100 माइनस 25 और बटे 100, यह हो गया। इसको हम अलग हल कर सकते हैं लेकिन हमने साथ में कर दिया, 240 बटे x बराबर 240, यहाँ हो जाएगा 75x बटे 100। इसको ऐसे ही चलने दीजिए, हम इसमें आगे अभी और अच्छे से करेंगे। 240 बटे x बराबर 240, यहाँ 4 हो जाएगा, 25 चौके 100, यहाँ 25 3 75, 240 गुणे 4 बराबर 3x, ये वस्तुओं की संख्या है, ये भी वस्तुओं की संख्या है, क्योंकि ये दोनों वस्तुओं की संख्या है और भी वस्तुओं की संख्या पहले से देखे, इसी हिसाब से अपना सवाल हल कर लेंगे। ये दोनों बराबर है लेकिन इसमें कहा गया है 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकते, इसलिए हम इसको समीकरण बना लेंगे। तो 240 बटे यक्स बराबर 240 गुणे 4 बटे 3 यक्स, क्योंकि इसके बराबर करना है तो इसमें हम प्लस 2 कर देंगे, 2 किलोग्राम से अधिक मिल रहा है, ये वस्तुओं की संख्या, ये वस्तु बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे 202 बराबर 960, 24 गुणे 4 960 बटे 3x माइनस 240 बटे x, हम यहाँ इसका लासा ले लेंगे, 3x
तीन एकम तीन और एक नौ, ए नौ मतलब एक से गुणा कर देंगे, तो 1 × 960 बराबर 960 माइनस एक से हम गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, एक से एक कट जाएगा और 3 आ गए, तो 720 दो बराबर इसमें से आएगा 960 में से 720 करेंगे 240 आएगा, 240/3x = 2, तो 2 बराबर यहाँ से 3 × 8 = 24, 1 0 उतार देंगे 80, 80/x = 2, तो इधर गुणा हो जाएगा, तो एक्स बराबर 80/2, एक्स बराबर 40 रुपये किलोग्राम, यह होगा सही हल। घटा मूल्य वो पूछ रहा है तो हम घटा मूल्य बता देंगे, घटा मूल्य का कोई बहुत घटा हुआ मूल्य है 240, उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हमें मिल गया है 3x/4, तो यक्ष का बांध रख देंगे 3 × 40/4, 4 × 4, 4 × 4, 1 0 उतार लेंगे, 3 धम्म 30 रुपये प्रति किलोग्राम, यह घटा हुआ मूल्य है। और अगर बहुत ज्यादा इसको शॉर्ट ट्रिक्स में करना है तो 25/100 बराबर इसमें 2 दिया गया है, ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 2 1 = 2×4, एक बराबर हो जाएगा 8, ये हो गई आपकी 240 रुपये में 8 किलोग्राम मिलेगा भाव घटने के बाद, 240/8 = 30 रुपये किलोग्राम, ये भी आंसर है, क्योंकि हमने 25% कम कर दिया इसलिए आ जाएगा, ये वस्तुओं की संख्या है और इसका काट देंगे इसका आंसर आ जाएगा आराम से। हम एक सवाल और लाए हैं, उसको भी देखेंगे किस तरह से हल करना है। सवाल है, संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति ₹25 में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, संतरों का वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया गया है 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो इसी 5 संतरों को, ये वस्तुओं की संख्या है, वस्तुओं की संख्या हम निकाल लेंगे, वस्तुओं की संख्या बराबर एक वस्तु का मूल्य, कुल मूल्य बटे एक वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य है 25 रुपये, कुल मूल्य एक वस्तु का मूल्य है, मान लीजिए हम इसको यक्स कर देते हैं, यक्स ये होगा पहला। अब हम दूसरा देख लेंगे, 25% कमी हो गई है भाव में, हाँ बराबर यक्स × 100 - 20, 100 - 20 100, 80x/100 = 4x/5, ठीक। अब हम वस्तुओं की संख्या निकाल लेंगे, वस्तु की दूसरी वस्तु के भाव घटने के बाद वस्तुओं की संख्या बराबर 25/4x/5, 25 × 5, 25 × 5
बटे 4x, ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक, अब इसको समीकरण बनाकर हल करेंगे तो 25 बटे x बराबर 25 कूड़े 5 बटे 4x, क्योंकि ये वस्तुओं की संख्या है, ये भी वस्तुओं की संख्या है। भाव घटने के बाद भाव इस तरफ घटा है तो हम इसमें इस तरफ जोड़ देंगे, प्लस 5 संख्या, प्लस 5। ठीक, तो 5 बराबर 25 पंचे 125, नहीं वैसे ही नहीं, 25 पंचे 125 बटे 4x माइनस 25x हटा देंगे। ठीक, 5 बराबर 4x लाश हो जाएगा, हम 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ आ जाएगा 1 गुणे 25, 125 माइनस, यहाँ से हम कर देंगे 1 चौको 4। ठीक है, 1 एकम 4, तो 4 गुणे 25 बराबर 100, तो 5 बराबर 25 बटे 4x। तो 5 5 बटे 25 में सही से कर देंगे ताकि जैसे समझ में आए आसानी से। पांच बटे 25 या इस तरह से लेने दीजिए, 5 गुणे 4x बराबर 25, x बराबर 25 बटे 5 गुणे 4। ठीक, 5 बचे 25 और यहाँ 4 है, तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 1 रुपया 25 पैसा। ठीक, ये इसका भाव हो गया दाम घटने के बाद। वर्तमान मूल्य प्रारंभिक, वर्तमान मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य निकाल लेंगे, तो जो दिया गया है 25, कितना था 4x बटे 5, 4 गुणे x 1.25 बटे 5, ये भाव घटने के बाद है। ठीक, ये प्रारंभिक मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है। ठीक, जैसे 5, तो हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 25 चौको 100। ठीक, 5 बटे 5 बराबर 1 रुपया। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सवाल में क्या दिया गया जिससे हम उसको हल कर सकते हैं। 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, यानी हमें संतरों की संख्या दी गई है। हम यहाँ संतरों की संख्या इस तरफ निकाल लेंगे, संतरों की संख्या इस तरफ निकाल लेंगे, उसको हल कर देंगे तो आपका भाव आ जाएगा। दोस्तों एक सवाल और है जो आपको बताएंगे समझाने के लिए। वाले चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। ठीक, अब पूछा गया है, माना भाव बराबर x। ठीक, यहाँ वस्तुओं की संख्या दी गई है, 500 ग्राम चीनी है वस्तु। ठीक, तो हम इसको लगा देंगे, कुल मूल्य है 140 बटे 100x, ये पहला समीकरण है। दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 10% कमी होगी, हम उसको 10% कमी निकाल देंगे, तो x का 100 माइनस 10 बटे 100, यानी हो जाएगा 90x बटे 100।
बराबर 9x/10 1 0 0 काट दें, ठीक है। ये घटा हुआ भाव है और वस्तु की संख्या हो जाएगी, वस्तु की संख्या 140/भाव 9x/10, 140×10/9x, ठीक। ये दूसरा हो गया, इसको लगा देंगे 140/x बराबर 140×10/9x, ठीक है। यहाँ 500 ग्राम है, क्योंकि हम जो भाव तय किए हैं वो किलोग्राम में है, तो 40 रुपये में 500 ग्राम चीनी, ठीक है, इसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 500 ग्राम 500 ग्राम/1000 ग्राम 1/2 किलो हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ ग्राम ही लगाएंगे, प्लस 1/2, 1/2 बराबर 140×10/9x माइनस 140/x। हम यहाँ 9 लासा ले लेंगे, 9x/1 9 नौ से इसमें भागे, 9 कम 9 1×140, 1×140 10 है तो 0, माइनस यहाँ से कर देंगे 9 14 9 126, ठीक है, 14 9 126 1260, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 0/0 10 में से 6 गए 4, ठीक। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गए 1, 1/9x, ठीक है। इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो 1×x बराबर 140/9×2। अब इसको हम कर लेंगे 2×280/9, ताकि 2 बार में झंझट न रहे। x बराबर 9 3 27, 1 28 9 9, फिर 1 बचा फिर 9 9, ठीक। ये हो गया प्रारंभिक मूल्य, ये होगा आंसर, ठीक है। हम इसी का घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे, कितना है, 9x/10, 9x/10 था, दो भाग घटने के बाद 9x/10, 9×31.1/10, ये नहीं है दूसरा है, सौ 40×10/9×31.1, ठीक
दोस्तों जो घटा हुआ भाव होगा, घटा हुआ भाव है 9x/10, तो 9 जगह 9 की गुणे 31.11/10 हम इसको गुणा कर देंगे, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9 और 9 3 27, ठीक है, 2 अंक पे दशमलव 1/10, फिर यहाँ एक मान और बढ़ जाएगा तो 27.999 अप्रोक्सीमेटली यानी 28 रुपये आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने जो भी अभी तक पढ़ाया है ये एक प्रतिशत एक तरह का सवाल है जिसमें भाग ऊपर दिया था, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, आप इसको प्रैक्टिस कर कर समझ लीजिएगा। हमने जो भी हो सका हमने कोशिश की है इसको ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स ना लगाएं, इसको पहले लॉन्ग ट्रिक्स लगाएं, फिर आपको जब समझ में आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।